ये हैं सबसे कम उम्र में टेस्ट में डेब्यू करने वाले टीम इंडिया के 5 क्रिकेटर। हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। कई खिलाड़ियों को उनका आधा करियर खत्म होने के बाद भी यह मौका नहीं मिलता, लेकिन कई खिलाड़ियों को बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। टीम इंडिया के टेस्ट इतिहास में भी ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं। सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों के बारे में। सचिन तेंदुलकर, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड आज सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में अपने पहला टेस्ट मैच खेला था। पीयूष चावला, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में दूसरा नाम स्पिनर पीयूष चावला का है। पीयूष ने 17 साल 75 दिन की उम्र में 9 मार्च 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 17 साल 118 दिन की उम्र में 28 अप्रैल 1983 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। पार्थिव पटेल, विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल सबसे कम उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। पार्थिव ने 17 साल 152 दिन की उम्र में 8 अगस्त 2002 को नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। मनिंदर सिंह, बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज मनिंदर सिंह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने 17 साल और 193 दिन की उम्र में 23 दिसंबर 1982 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था।